ये मेन गेट हुआ मंदिर की तरफ जाने का। स्वागत है दोस्तों आपका ठाकुर ब्लॉग में। आज हम लोग का प्रोग्राम बना है धरवा से थोड़ी दूर पर स्थित है कल्याणेश्वरी मंदिर और मैथन डैम जाने का। तो आज आपको लेते चलते हैं कल्याणेश्वरी मंदिर और मैथन डैम, आप लोग को भी दिखाते हैं कैसा है। रोड पे चल रहे हैं, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड बोला जाता है। इसे मुगल शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जीटी रोड का अभी काम चल रहा है। जीटी रोड जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे लंबा और बड़ा रोड में से एक है। पूजा तुमको भी करना है? पूजा तुमको भी करना है मंदिर में? और जाके अभी क्या क्या करना है मंदिर में और मैथन डैम में? इतना दिनों के बाद जा रही है मैथन डैम और कल्याणेश्वरी मंदिर। अभी जो आप देख रहे हैं ये वाला सिक्स लेन है और साइड में जो दिख रहा है वो वाला सर्विस लेन हुआ। कहीं कहीं सिक्स लेन का काम पूरा हो चुका है और कहीं कहीं काम चल रहा है सिक्स लेन का। हम लोग जा रहे हैं अभी कल्याणेश्वरी मंदिर। ये मंदिर जो है ये 500 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर में झारखंड और बंगाल से टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे है और ये वर्धमान जिला में आता है। जैसा कि मैंने बताया कि मुगल शासक शेरशाह सूरी ने ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। कुछ टाइम बाद जब ये खराब हो गया तो एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम पॉल ऑकलैंड था, उन्होंने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक फिर इस रोड को बनवाया ताकि ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार में आसानी हो सके। देर में निरसा पहुंचने वाले हैं। धनबाद से कल्याणेश्वरी मंदिर की दूरी 40 से लगभग 50 किलोमीटर है। इस तरफ सिक्स लेन का काम अभी चल रहा है, उसी को लेकर के पूरे रोड पर जाम लग गया है। अब हम लोग कल्याणेश्वरी मंदिर पहुंचने वाले ही हैं। आप बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रुकने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कई सारे रिसोर्ट, लॉज, गेस्ट हाउस सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। एटीएम भी है। अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप सामान सब ले सकते हैं पूजा का, उसके बाद आप मंदिर के तरफ जा सकते हैं। ये मेन गेट हुआ मंदिर के तरफ जाने का। यहाँ पर कई सारे आपको दुकान दिख रहे होंगे, यहाँ से आप प्रसाद सामग्री, फूल माला सब चीज़ आप खरीद सकते हैं। काफ़ी भीड़ है मंदिर में जैसा कि देख पा रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग अभी प्रसाद ले रहे हैं। हाँ?
कल कब यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहता है श्रद्धालुओं का? भीड़ हमेशा रहता है, शनिचर और मंगलवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं माँ कल्याणेश्वरी मंदिर में। ये वाला बलि स्थल हुआ मंदिर के पुजारी कल्याणेश्वरी मंदिर के बारे में जानते हैं, थोड़ा हमें मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर का काशीपुर राजा यहाँ पर सब मंदिर बनाए थे और यहाँ का पंडाल लोग पूजा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब पेड़ पर चुनरी सब बंधा हुआ, जो देख रहे हैं जिनकी भी मुरादें होती है वो यहाँ पर पेड़ पर चुनरी सब बांधते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ से उतार देते हैं चुनरी से। यहाँ पर भी एक है, आइए मंदिर के अंदर से दर्शन करवाते हैं। ये माँ का चरण है, माँ का चरण, माँ यहाँ पर बच के नहान किया, इसीलिए दो बार चरण है। कल्याणेश्वरी मंदिर के जैसे ही हम लोग बगल से सीढ़ी से उतरेंगे तो बगल में ये मंदिर आपको देखा है ये वाला, और उसी के बगल में ये वाला कितना सुंदर यहाँ पर झरने टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, पानी बहता हुआ, काफी अच्छा हम लोग को लग रहा है। अब हम लोग का दर्शन हो चुका है और हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आ करके थोड़ा हम लोग समय थोड़ा गुजार रहे हैं। आइए दोस्तों भैया से जानते हैं कि ये कल्याणेश्वरी मंदिर को कब से आ रहे हैं और यह मंदिर उन्हें कैसा लगा। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं इस मंदिर पे, अच्छा है, घूमने लायक है जगह और मंदिर भी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर पूजा करने के बाद आप झालमुरी खा सकते हैं, जैसे कि झालमुरी यहाँ मिल रहा है, इधर इडली सब मिल रहा है। देखिए इधर टूरिस्ट सब एंजॉय कर रहे हैं, काफी खूब एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग पूजा करने के बाद नाश्ता कर रहे हैं। ये वाला एरिया जो हुआ, ये वाला मंदिर के पीछे का एरिया हुआ, इस एरिया में आप शादी ब्याह सब यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप करना चाहे तो यहाँ पर शादी ब्याह जनरली यहाँ पर होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको रूम सब ऊपर में दिख रहा होगा, वहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था है। जो फंक्शन के लिए यहाँ पर लेते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो यहाँ पर रह भी सकते हैं। तो ये मंदिर के जस्ट पीछे ही है। आस्था कैसा लग रहा है कल्याणेश्वरी मंदिर में? ऐसा लग रहा है मंदिर आकर अच्छा से हुआ ना। और अभी अब क्या क्या अभी देखने का है? कितना देर से आप लोग में आंटी खड़े हैं? एक घंटा हो गया।
जैसे ही मेन मंदिर के अंदर घुसने लगेंगे तो बाहर के कैंपस में ही ये मंदिर आपको पूजा करने के लिए दिख जाएगा। कल्याणेश्वरी मंदिर में साल में 365 दिन बलि पड़ता है। ये मंदिर के साइड का एरिया हुआ। जब आप मंदिर के तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बच्चों के खिलौने सब चीज मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे प्रसाद मिल रहा है, फूल है, पेड़ा मिल रहा है। इधर देख सकते हैं, यहाँ पर शंख मिल रहा है, तांबा का सामान सब मिल रहा है। आपका मन हो तो आप खरीद भी सकते हैं। आज संडे होने की वजह से उसका तांता लगा हुआ है यहाँ पर। अब कल्याणेश्वरी मंदिर के बाहर में ही जो दुकानें जो लगी रहती हैं उन रुके हैं, तो भैया से जानते हैं कि आपके दुकान में क्या क्या चीज मिलती है। यहाँ पर आपको चूड़ी, शाखा पोला, ओरिजिनल शाखा पोला वगैरह मिल जाएगा। हाँ, सिंदूर मिलेगा, सिंदूर आता जो माँ का चढ़ता है सब यहीं पर मिलता है। पूजा हो चुका है कल्याणेश्वरी मंदिर में, तो हम लोग मंदिर के सामने में ही जो होटल है वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। नाश्ता में हम लोग ने लिया हुआ है कचौड़ी लिया हुआ है और वाइट और गुलाब जामुन भी लेंगे अभी, वो भी आपको दिखाते हैं। कैसा टेस्ट है आस्था? हम लोग का अच्छे से पूजा हो गया कल्याणेश्वरी मंदिर में। भीड़ बहुत था लेकिन अच्छा से पूजा हो गया। अब हम लोग यहाँ से मैथन डैम जा रहे हैं। बराकर नदी पर है और बाढ़ का पानी नहीं आया इसलिए इस बांध को बनाया गया था। मैथन बांध को 1948 में इसे बनाया गया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैथन डैम के पास। देखिए कितने टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं मैथन डैम का नज़ारा कितना ही खूबसूरत है। ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा डैम में आता है मैथन डैम। आप बीच में देख पा रहे होंगे कि कितना ही सुंदर आइलैंड टाइप का बना हुआ है और टापू टाइप का। यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है, आपको बीच में दिख जाएंगे बोटिंग, दूर में वहाँ पर बोटिंग से लोग करते हैं एंजॉय। और आप बोटिंग के माध्यम से आप उस वहां तक मतलब जा सकते हैं और फिर वो घुमा करके फिर आपको वापस वो लेते आएगा। ये जो ब्रिज आप अभी देख रहे हैं ये मैथन डैम के ऊपर बना हुआ है। कितना ही खूबसूरत और कितना बड़ा ब्रिज है। ये वाला मैथन डैम का वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। शाम में जब ये सब सारी लाइटें जल जाती हैं तो और भी खूबसूरत लगता है मैथन डैम। देखिए यहाँ पर पर्यटक मोटर बोट का आनंद लेते हुए।
काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है मैथन डैम, जैसा कि आप अभी ब्लॉग में देख पा रहे हैं। जब पानी का लेवल और बढ़ जाता है तब और भी ये डैम डरावना लगता है। मेरे सामने से जो बोट सब खड़ा देख रहे हैं आप, वही बोटिंग एरिया हुआ। अभी हम लोग भी बोटिंग एरिया तरफ जाएंगे तो पहुंच के दिखाते हैं बोटिंग एरिया और चार्जेस भी बताएंगे कि क्या चार्जेस है। कुछ पर्यटक सब प्लेटू जो बना हुआ है वहां पर भी जा रहे हैं बोट के थ्रू, टापू टाइप का बना हुआ जो है। देखिए एक बोट कितना दूर में नजर आ रहा है। बोटिंग एरिया के पास आ चुके हैं मैथन डैम का, अब आपको लेते चलते हैं बोटिंग एरिया के पास और बताते हैं कि क्या चार्जेस है स्पीड बोट और नॉर्मल बोट का, और दिखाएंगे भी आपको बोट से। काफी टूरिस्ट सब आए हुए हैं बोटिंग करने के लिए मैथन डैम में। आइए दोस्तों भैया से जानते हैं कि मैथन डैम में जो बोटिंग का जो व्यवस्था है उसमें बोटिंग का चार्जेस क्या है नॉर्मल बोट और स्पीड बोट का। स्पीड बोट का देखिए पर्सन लेते हैं 600 का 800 पड़ता, ये बड़ा वाला आइलैंड का पूरा पीछे खराब होकर लॉक दिखाते हैं, फिर लेके आते हैं पानी में 2 मिनट स्टे होगा, मतलब 8% का 8% नहीं वो पूरा 6% पर्सन पे। और अगर शेयरिंग करके जाते हैं पर हेड 100 पर हेड 100 और मैनुअल पे जैसे जाते हैं स्पॉट बाय रेट है उसका टाइमिंग है। स्पॉट पे जैसे 300 का लॉक रेट है, 400 का छोटा टापू ले जाते 10 फीट हो सकता है, बड़ा टापू का 500 जैसा जाइएगा, ये आधा घंटा का वो 35 मिनट का, पूरा पीछे राउंड करने का 50 मिनट का जैसे। और ऐसे नॉर्मल हमको करना है तो वैसे नॉर्मल का ही आपको बताएं, आप 6% का 300 पड़ रहा है 400 पड़ रहा है जैसा स्पॉट चाहिएगा वैसा। जैसे मटेरियल है मान लीजिए उसका उसका आपको पर्सनल देना पड़ेगा, वो आपको रिजर्व होता है। नहीं अकेले हैं तो 6% मतलब 500 दूसरे लोग हो गए हैं, अगर हो गया तो उस पर फिर आप लोग डिवाइड कर लेना होगा। जैसे आपको कौन सा स्पॉट चाहिएगा, जैसे 500 वाला चाहिएगा तो उसका आप लोगों 6 जन को डिवाइड कर लेना होता है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर स्पीड बोट पे होता तो पर हेड 100 है, पर हेड 100 अगर शेयरिंग करते तो पर हेड 100 में कितना देर हमें कराते हैं वो आपको 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट मतलब ये पूरा एरिया? हाँ ये पूरा एरिया कितना देर हमें कराएंगे वो आपका मैक्सिमम 15 मिनट से स्टार्ट होता है। 300 का 15 मिनट है, 400 का आधा घंटा है, 500 का 35 मिनट है, 1000 का पूरा 50 मिनट का। और जैसे बारिश हो रही है उसमें मौसम में जैसे थोड़ा हो जाता है पानी ज़्यादा उसमें बोटिंग तो बंद कर देते हैं? बोटिंग चाहिए बारिश का टाइम बोटिंग बंद बंद रहता है। और टाइमिंग क्या है सुबह कितना बजे खुलता है? टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे। मोटर बोट तो भैया पहले नहीं था, पहले नॉर्मल बोट में करता था। मोटर बोट कब से चालू? 2015 से है। 2015 से चालू, अभी से पहले मैनुअल था। मैनुअल अभी कितना मैनुअल बोट होगा? अभी मैनुअल बोट मेरे पास लगभग 10 है, अलग अलग भी घाट है तो भी अलग अलग, जैसे मेरे पास अभी ये वाला एक घाट का है। जी एक घाट का 10 मैनुअल है और 3 स्पीड है। 3 स्पीड है और वैसे तक अलग अलग घाट में अलग अलग सबका अलग अलग है। सबका कितना ही खूबसूरत आपको लग रहा होगा सीन यहाँ का मैथन डैम का, यहाँ से कुछ लोग बोटिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और भी टूरिस्ट यहाँ पर खड़े हैं बोटिंग के लिए। मेरे पीछे वो स्पीड बोट आप देख सकते हैं, ये स्पीड बोट जो है ये 2015 में यहाँ चालू हुआ है मैथन डैम में। इधर भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारी बोटें मैथन डैम में। अब हम लोग मैथन डैम से निकल चुके हैं, अच्छा लगेगा, मजा आया मैथन डैम में। पर गर्मी बहुत है। आज का दोस्तों अगर ब्लॉग मैथन और कल्याणेश्वरी का अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।